अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फूशा मैगजीन। इस वक्त हम हैं जान से प्यारा जूनी के सेट पे और हमारे साथ हैं द इवल, द ब्यूटीफुल, द व्हाट क्या कहूँ, द व्हाट क्या कहूँ, द स्कीमिंग हुसन आरा। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू राबिया। कैसी हैं आप? हीरामानी, आल्सो नोन एज हीरामानी। हां, कैसी हैं आप? राबिया आप बताएं। मैं ठीक ठाक, बस हम दोनों गर्मी में, मैं इनकी दाद दे रही हूँ भाई। हम आए, एक तो इतने क्या चार मंजिल चढ़ के आए, चार मंजिल आए, मेरी तो सांस चढ़ गई, चार मंजिल चढ़ के आए ये लोग, पता नहीं, और लिफ्ट नहीं चल रही, ऊपर नीचे होते हैं, गर्मी इस वक्त हमारे पास, और गर्मी इस वक्त जो है ना, तो मैं लोगों से ये कही थी कि मुझे लगता है कि हम आप लोगों के काम को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमें सिर्फ ग्लैमर और फेम नजर आता है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हाँ, लेकिन थैंक यू सो मच, आप रिव्यू कर रही हैं इसका और मैं देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छा रिव्यू कर रही हैं, क्योंकि पर्सनल नहीं होती आप और आप कैरेक्टर पे बात करती हैं, तो थैंक यू, मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ इस बात को। मुझे एक्चुअली हीरा इतना अच्छा लगा बिकॉज इट वॉज अ वेरी बिग चेंज फ्रॉम योर यू नो सम प्रीवियस रोल्स। वो जो रोना धोना था वो नहीं, एक तो और मुझे आपका हेयर स्टाइल इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ओवरऑल लुक अच्छी लग रही थी, आई वाज लाइक दिस इज सो रिफ्रेशिंग टू सी हीरा आफ्टर सम टाइम एंड इन अ कंप्लीटली डिफरेंट एवेंट। इसका क्रेडिट जो है वो साजिद को जाता है, मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन्होंने लुक बनाई मेरी, फिर सिकंदर का बहुत इनपुट था इसमें कि वो मुझे कहते हैं हीरा जी हम आपको अब इस तरह का रोल है, मैंने बड़ा इस एक आप थॉट प्रोसेस में जाते हैं कि हाँ ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यू रियली थिंकिंग कि करना चाहिए, लेकिन मुझे लगा मुझे करना चाहिए। तो क्यों सोच रही थी कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली मैं सोचती हूँ थोड़ा अपने क्राफ्ट को लेके, आप सोचते हैं और ऑब्वियसली जब आपके कंधों पर थोड़े हिट्स हों और आपको लोग पसंद करते हो, एक ही तरह से आपको देख रहे हो, तो आपको एक चैलेंजिंग होता है आपके लिए ना, कि लेकिन ये अच्छा है, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे खुद भी मज़ा आ रहा है। अमूमन मैं जब घर जाती थी ड्रामों के बाद तो मैं बहुत रोती थी और मैं बड़ी सैड भी हो गई थी उन ज़मानों में ना, लेकिन अब ये जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ ना, बड़ी मुंह पे जवाब देने वाला, मुझे सीरियल में कहती हूँ सॉरी सॉरी मैंने ऐसे कर दिया, सबसे कहना कहता है क्या हो गया हीरा जी ये कैरेक्टर कर रही हैं आप, मैंने बोला हाँ वो वाला सीन जिससे आप बात करें, मैं वो ही बोल रही थी कि वो जो मिठाई वाला डब्बा वो फेंकती है, वन टेक था कितनी दफ़ा? वो वन टेक नहीं था, ओह माय गॉड, सिकंदर से पूछेगा, वो कोई 6-7 टेक्स थी, और क्योंकि हमने उसको हैवी भी दिखाना था और हमें ये था कंसर्न हमारा कि मिठाई का डब्बा है, लोग कहेंगे कि इसमें खाना है और आप फेंक रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना राबिया हमें देखनी पड़ती हैं, एज एन एक्टर भी देखनी पड़ती हैं। तो हमने वो डब्बा खाली किया, उसमें हमें समझ नहीं आता कि हम उसमें डालें क्या, क्योंकि अगर हम कुछ और डालेंगे तो वो मुँह पर ना लगे जाहिद के, हमें ये भी थोड़ी टेंशन थी कि मैं, फिर हमने बड़ा हिसाब से देख के और यूं करके मैंने अपना वो एक कोई निशाना लगाया तो वो सही लग गया। फ्रिस्बी खेलती हैं आप? हाँ, मुझे ऐसा लगा वो फ्रिस्बी की तरह फेंका, ये एक सेकंड रुको, ये वो फेंका, ये रुको, ये भी लेते जाओ, आई वाज लाइक ओके शी इज रियली यू नो, तुझे छोड़ना नहीं है, छोड़ा नहीं है, पता नहीं क्या ही समझती है ना हुसन आरा अपने आप को। हां, लेकिन मजा आ रहा है हुसन आरा को देखिए, वो थोड़ा सा अच्छा, उसकी कैरेक्टर की इंटरेस्टिंग बात ये कि शी इज नॉट दैट टिपिकल टॉक्सिक कैरेक्टर दैट यू सी यू नो, वो एक्चुअली हुसन आरा किसी को पसंद करती ना ऑलरेडी, तो जब आप किसी के प्यार में हो ना तो आपका किसी और का इंटरेस्ट आपको जहर लग रहा होता है, आप कहते हैं कि वही दिलचस्पी ले, वही लड़का प्यार करे, ये क्यों देख रहा है मुझे, इसको नहीं देखना चाहिए, तो ये वाला और उसका ये भी है ना कि मैं तो ये हूँ, ये देखो ये कैसे यू नो, दोनों का फर्क भी दिखाया है, तो वो भी समझ आ रही है कि वो शी थिंक्स कि ये मेरे बराबर नहीं है, तो हाउ डेयर ही प्रपोज टू मी, और ये इरिटेटेड होती है ना उससे, कभी गैलरी में से झांक रहा है, कभी कहीं से झांक रहा है, कभी वो फोन, इस तरह का ना वो थोड़ा टॉक्सिक उसका, उसको लगता है कि यार अमूमन लड़कियां ऐसी होती हैं कि जब उनको कोई बिला वजह झांक रहा हो, तांग झांक कर रहा हो, तो वो इरिटेट हो जाती हैं। सही बात है, तो इसमें बेसिकली वो चीज दिखाई है हुसन आरा, क्योंकि वो इरिटेट हो गई है कि यार कहीं से भी देख रहा है मुझे, इतना क्यों ये गाड़ी, कहीं तो गाड़ी ले आया, तो ये आई नो, तो बट एक बात बताएं फिर, क्या लड़कियों को पसंद नहीं है कि जो उनकी बात अच्छे से मान रहा है वो कर रहा है, लड़कियों को चाहिए कि थोड़ा सा टॉक्सिसिटी हो, थोड़ा सा कहीं और पसंद करती हो ना, जिससे कहीं और किसी को पसंद करती है तो फिर ये बुरा लगता है, फिर किसी की केयर करना, फिर कंपैरिजन हो जाता है कि वो तो ऐसा है, ये तो बिल्कुल ही मेरे नीचे लगा हुआ है, मतलब नहीं, ये भी नहीं कि आप जब किसी और के अफेयर में या किसी और को पसंद करते तो किसी और का इंटरेस्ट लेना, ये है बेसिकली हुसन आरा, कि उसको पसंद नहीं आ रहा, वो किसी और को पसंद करती है, उसने कहीं और शादी करनी है, तुम क्यों फ्री हो रहे हो, ये वाला है थोड़ा। अच्छा, आपकी सिंगिंग कैसी चल रही है? सिंगिंग इंशाल्लाह
अभी मैं कुछ ड्रामों में फंसी हुई हूँ तो टाइम नहीं मिलता अभी. एक दो गाने इंशाल्लाह मेरे जल्द रिलीज होंगे. आपने कॉन्सर्ट्स भी किए ना? हाँ मैंने. कैसा कैसा एक्सपीरियंस था? हाउ एक्साइटेड डू यू गेट एंड यू नो बिटवीन एक्टिंग एंड सिंगिंग क्या ज्यादा एक्साइटमेंट होती है? मजा किसमें ज्यादा आ रहा है? मुझे गानों में ज्यादा मजा आता है बिकॉज़ वो लाइव क्राउड होता है ना सामने परफॉर्मेंस में. मुझे बहुत मजा आता है. इनफैक्ट मैंने कभी थिएटर नहीं किया लेकिन वो थिएटर वाली फील होती है. जब आप एक बोलती हैं गाना के म्यूजिक रोक दो मैं बोलूंगी मेरे पीछे रिपीट करो है ना, मैं सोचूं जज्बा ही क्या होता होगा. वो बहुत मजे का था सब कुछ. बहुत मजा आता है मुझे. करेंगे इंशाल्लाह सून. So you are going planning to do another round of concerts या कुछ? या आप concerts कम और अपने you know singles ज़्यादा निकालना चाह रही हैं? हाँ singles ज़्यादा निकालूंगी इंशाल्लाह. और अभी ये जो drama है ना ये मुश्किल है क्योंकि मैंने कोई साल का break देके और आपको पता है अभी मेरी कोई भी drama on air नहीं है तो यही on air हुआ है एक साल बाद. तो मैं चाहती थी इसको ब्रेक देके फिर थोड़ा एक्टिंग करूं फिर सिंगिंग की तरफ आऊं. हम आपको काफी अरसे बाद देख रहे हैं. हाँ बट यू नो एट दिस पॉइंट इन टाइम इन योर करियर कैसे देख रही हैं आगे चीज़ों को जहाँ आपने माशाल्लाह से इतना कुछ कर लिया है. इतने हिट्स भी दे रहे हैं. अब एक स्क्रिप्ट्स के ऊपर बहुत कॉन्वर्सेशन होती है कि कैरेक्टर्स हमें मज़े के नहीं मिल रहे. ऐसा है. आपका क्या चैलेंज है और आप फ्यूचर कैसा देख रही हैं अपने लिए? फ्यूचर मैं अच्छा ही देख रही हूँ लेकिन ये कि मैं तो बात करती हूँ स्क्रिप्ट पे और मैं बड़ा मेरा जो क्राफ्ट बना हुआ है ना उसको मैंने बड़ा सोचा बड़ा देख भाल के मैंने ये स्क्रिप्ट चूज़ किया क्योंकि मुझे लगता है कि अब थोड़ी वेरिएशन देने का टाइम आ गया. अब मुझे थोड़ा वेरिएशन मुझे अपना ये वाला स्किल भी दिखानी है कि मैं ये वाला कैरेक्टर भी कर सकती हूँ. दिखाना क्या खुद भी आपको आपको एज एन एक्टर अपने आप को भी चैलेंज करना चाहिए क्योंकि हर डायलॉग मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्या तुम मुझसे प्यार करती हो नहीं तुम जा रहे हो. अब इसमें आप देखिए मेरा पिच थोड़ा बड़ा हुआ है. मैंने इस पिच में बहुत अरसे से एक्टिंग नहीं की तो अभी जब मैं सीन में चीख रही होती हूँ ना सिकंदर से बोलती हूँ सिकंदर मैं ज्यादा तो नहीं चीख रही ना. सिकंदर कहते हैं नहीं हीरा जी यही चाहिए. मैंने खुद हीरा को चीखते हुए सुना अच्छा सबसे बेस्ट आज तो मैंने सीन पूरा देखा ना मुझे इतना मजा आया बिकॉज हीरा यहाँ बैठी और हीरा ने एकदम से रोना शुरू कर दिया और मैं देख रही हूँ वाओ अभी तो मुझसे बात करी नहीं क्योंकि मैं एक्टर हूँ ना. मैं एक चीज सो क्यूट आई लाइक सीरियसली यू नो वहाँ से उठे आंसू पहुँचते हैं क्योंकि मैं एक्टर हूँ ना. अब मैं सोचूँ मुझसे सीरियसली बात करी है क्या? हाँ ये थोड़ा मुश्किल भी होता है क्योंकि आपको जोन आउट होना होता है. और फिर मैंने बहुत जैसे शी सिंग ना तो चीखते हुए भी सुना एक डायलॉग बहुत जज्बात से ऊंची आवाज में. सो आज मैंने एक्चुअली रियल लाइफ में लाइव हीरा के बहुत से एक्टिंग स्किल्स देख लिए हैं कि अल्लाह का करम है बस अल्लाह ताला का साथ है अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है और जितने हमारे फैंस हैं उनका प्यार है यार इन लोगों के प्यार की वजह से मुझे लगता है कि और उठ उठ के आपके अंदर जो है वो आता है पैशन के यार अब ये करके दिखाते हैं. अभी हम बात कर रहे थे आप परेशान हुई थी बच्चों के एग्जाम्स हैं. हाँ ना मुजम्मल के बोर्ड के एग्जाम्स हो रहे हैं और बस उसके लिए मैं थोड़ी सी कंसर्न हूँ कि वो अब मैं यहाँ पर हूँ. आज उसका जियोग्राफी का था पेपर तो बस यही चल रहा है. कितना मुश्किल होता है घर को छोड़ के आप आती बिकॉज़ आई नो आप अपनी फैमिली के साथ इतना इन्वॉल्व होती हैं और बहुत अरसे से आपने नहीं ड्रामा किया था. अब जब आप आ रही हैं और बच्चे इस स्टेज पे जो यू वर टेलिंग मी आप लोग जिम भी साथ करते हैं ही मेक्स यू डू स्क्वाट्स वो छोड़ता नहीं है. नहीं।